हेलो फ्रेंड्स, ब्रेड और आलू से हम कई तरीके के नाश्ते तो बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड और आलू से बना बहुत ही क्रिस्पी चटपटा मज़ेदार नाश्ता। बारिश का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में ये रेसिपी बनाना तो बनता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में और बहुत ही जल्दी कम चीज़ों में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे सबसे बनाना पहले है। यहाँ पर हम एक बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम आधा कप बेसन और इसमें हम 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम मीडियम थिकनेस का घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो पानी आप एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी आपको इतनी गाढ़ी रखनी है, जब आप चम्मच से गिराएंगे तो चम्मच के पीछे हल्की सी कोटिंग आएगी। इतना गाढ़ा बैटर बनाने में मुझे आधा कप से थोड़ा सा कम पानी मुझे इसमें लगा है। तो बैटर को हम साइड में हम रखेंगे और अब यहाँ पर हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हम सरसों के दाने और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। जब जीरा और सरसों बढ़िया से तड़क जाए तब इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक, 4 से 5 कली लहसुन को ददरा कूट करके लिया है और इन सभी को हल्का सा हम भून लेंगे। यहाँ पर हमें अदरक और लहसुन को लाल नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। तो अब इसमें हम कुछ मसाले हम डालेंगे। तो पैन काफ़ी गर्म है तो इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। और इसमें मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है कलर के लिए। ये बहुत ही कम तीखी होती है। और तीखेपन के लिए मैंने इसमें आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। गैस को हम ऑन करेंगे और धीमी आंच पर मसालों को हल्का सा हम कुछ सेकेंड के लिए हम भून लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम उबले हुए आलू हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 8 से 10 छोटे साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अगर आप बड़े साइज के ले रहे हैं तो आप 2 से 3 आलू ले सकते हैं। आलू को इस तरीके से रफली तोड़ करके हम डालेंगे और अब इसमें हम चटपटा टेस्ट के लिए आधा चम्मच आमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम आलू को इस तरीके से मैश करते हुए हम चलाएंगे ताकि जो इसमें छोटे टुकड़े हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं, क्योंकि इसमें हमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मीडियम फ्लेम पर इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो हमारा चटपटा आलू का मसाला बन करके तैयार है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल करके हम ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैकेट ब्रेड लिया है। मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज वाली ब्रेड ली है। मैंने यहाँ पर ये व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो ब्रेड को यहाँ पर हम ग्लास से इस तरीके से गोल शेप में हम काट लेंगे। तो आप कोई भी धारदार ग्लास या कटोरी से इस तरीके से आप ब्रेड को काट करके तैयार कर लें। और जो ये ब्रेड के किनारे निकल रहे हैं इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम बाद में यूज कर लेंगे। तो ब्रेड के किनारों को हम एक बाउल में अलग निकाल करके रख लेंगे और इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को काट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड को काट करके तैयार कर लिया है और जो ये ब्रेड के किनारे निकले हैं इसको हम मिक्सी के जार में डाल करके हम पल्स मोड पर हम पीस करके इसका ब्रेड क्रम बना लेंगे। यहाँ पर आलू की स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है तो इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम छोटी ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम छोटे छोटे बॉल्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स को बना लिया है जिसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हम एक प्लेट में हम पानी लेंगे थोड़ा सा। पानी को हम ब्रेड में हम भिगाएंगे और इस तरीके से इसका सारा पानी हम निचोड़ करके तैयार कर लेंगे ब्रेड को। फिर इसमें हम आलू वाली स्टफिंग को हम रखेंगे, यानी आलू वाले बॉल्स को हम रखेंगे और इस तरीके से अच्छे से इसको हम ब्रेड को हम बंद कर लेंगे। हाथों से इस तरीके से दबाते हुए इसको हम गोल शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉल्स बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम पर आपको ब्रेड को पानी में ज़्यादा देर के लिए भिगाना नहीं है, बस ब्रेड को आपको पानी में तुरंत डिप करके तुरंत निकाल करके इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। इसमें आपको आलू की स्टफिंग रखनी है बीच में और अच्छे से आपको इसको बंद कर लेना है और हाथों से दबाते हुए आपको इसको अच्छे से रोल कर लेना है। बस इसी तरीके से आपको सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया था। तो हमारा ब्रेड क्रम बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम साइड में हम रखेंगे। यहाँ पर हमारा बेसन का घोल भी अच्छे से सेट हो गया है। तो आप फिर से इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, चम्मच के पीछे हल्की सी कोटिंग आ रही है। बस इतना ही आपको इसको गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा पतला रखेंगे तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये तेल में फटने लगेंगे। इसमें हम बॉल्स को हम बेसन के घोल में हम डिप करेंगे। अच्छे से कोट करने के बाद चम्मच को किनारे लाएंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा घोल हो वो निकल जाए। फिर हम बॉल्स को हम ब्रेड क्रम में हम रखेंगे और अच्छे से इसको हम कोट कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको हम दबा देंगे
तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर एक और बना करके दिखा देती हूँ। तो आपको बॉल्स को बेसन के घोल में अच्छे से कोट कर लेना है और चम्मच को किनारे पर लाना है ताकि जो एक्स्ट्रा उसमें घोल हो वो निकल जाए। फिर आपको बॉल्स को जो है इसमें ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेना है। हल्के हाथों से दबा करके आप इसको गोल शेप में बना लें ताकि जो ब्रेड क्रम है अच्छे से इसमें चिपक जाए। इसी तरीके से सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने में फ्रेंड्स इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स आपका तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई रखना है। अगर आप कम गर्म तेल में आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये तेल में फटने लगेंगे, इसलिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखें। पर मैंने थोड़े से बॉस तेल में डाल दिए हैं और 2-3 मिनट के बाद जब ये हल्के से नीचे से सिक जाएं तब आप इसको इस तरीके से चम्मच से पलट दें और इसी तरीके से आप इसको थोड़ी थोड़ी देर पे अलट पलट करके अच्छे से आप इसको सुनहरा होने तक आप इसे फ्राई कर लें। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी थोड़ी देर पे अलट पलट करके सुनहरा होने तक इसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो इसको हम छन्नी पर हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए बॉस को भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो बाहर से एकदम ये क्रिस्पी और अंदर से एकदम ये सॉफ्ट होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्प बने हैं ये। आप इसे सॉस या चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही और भी नई नई रेसिपीज देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।